टी20 वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल मुकाबला 9 नवंबर को पाकिस्तान व न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के मध्य खेला जाएगा। इन दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में यदि भारत और पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की टीमें अपना अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत सकती हैं और एक बार पुनः 15 वर्षों के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में खिताबी जंग के लिए भिड़ सकती हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो पाकिस्तान व न्यूजीलैंड के मध्य है, इन दोनों देशों के टी20 मैचों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक टी20 मैचों में पाकिस्तान व न्यूजीलैंड के मध्य कुल 28 मैच हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 17 बार मुकाबले को जीती है और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मात्र 11 बार मुकाबले को जीती है। इस तरह से इस सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जीतने के चांस ज्यादा हैं। इसी तरह से दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात की जाए तो यह मुकाबला भारत व इंग्लैंड के मध्य खेला जाएगा। भारत व इंग्लैंड के मध्य अभी तक हुए टी20 मैचों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक इन दोनों देशों के बीच टी20 के कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय क्रिकेट टीम ने 12 बार मुकाबले को जीती है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 10 बार मुकाबले को जीती है। इस तरह से पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भारत व इंग्लैंड के मध्य होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा भारी है और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने के चांस ज्यादा हैं। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों क्रिकेट फैंस को एक बार पुनः 15 वर्षों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार सन 2007 में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेली थी और इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाए तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।